हाँ जी, वी आर बैक। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज हम वो करने वाले हैं जो हर लड़की को लगता है भाई कि ना ये लाइफ में होना चाहिए, अगर ये है तो बस हमारी लाइफ ना सुखी है। एंड दैट इज शॉपिंग ऑफ स्किन केयर, शॉपिंग ऑफ मेकअप। नायका पिंक सेल से हमने मंगाई है बहुत सारी चीजें, तो आज हम वही देखने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बॉक्सेस दिखा दूं। भाई ये हैं वो सारे बॉक्सेस को मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ, मिलके करते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले है मेरे पास ये बॉक्स, एंड ये देखने में ही लग रहा होगा कि भाई लक्स है। मैं अपने टेडी वेयर के कटर को बहुत मिस कर रही हूँ। अनबॉक्सिंग इज माई फेवरेट थिंग टू डू। ये हमारा पहला बॉक्स जो कि है फ्रॉम लक्स स्टोर, लव डिलीवर्ड। भाई मेकअप लव तो है पहली चीज जो, अरे अरे भाई कुछ भी लाइफ में हो, आई लव कलेक्टिंग लिपस्टिक्स। तो फाइनली एक लक्स लिपस्टिक यहाँ पे आ चुकी है, शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक है, एंड मुझे कब से चाहिए थी। किसी में भी स्पेंड में करूँ या ना करूँ, बट आई वांट टू जस्ट कीप माई lips healthy glowing. I am not doing a try on haul. We are just opening the packages. ये बड़ा भारी है भाई। तो बहुत सारी चीजें हैं ना, मैंने कुछ ऐसी मंगाई हैं जो मतलब मुझे actually में भी need है, चीजें जो खत्म हो गई थी और मैं ये सोच रही थी कि यार कब मंगाऊं। एंड देन देखा कि भाई सेल लग गई, पैकेजिंग करते जाते हैं। इट्स अ सुपर स्टे लिपस्टिक, अगेन वी हैव अ नायका लिपस्टिक। इतनी भी लिपस्टिक्स मेरे पास हो, इट्स नेवर इनफ। इसके बाद यस, मेरा रोज वाटर खत्म हो गया था तो हाँ मंगा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड इसके साथ ये कुछ तो ये ट्राई ऑन आया है, ओह माय गॉड दिस इज सो क्यूट। मुझे एक फ्री प्राइमर भी भेजा है, ओह दिस इज सो टाइनी यू गाइस, दिस इज सो टाइनी, ओह माय गॉड। अच्छा लास्ट में मैं अपना बजट भी बताऊंगी कि कितना मैंने स्पेंड कर दिया। यस, मेरे पास कॉन्टोर खत्म हो गया था तो ऑर्डर दिस कॉन्टोर फॉर माई सेल्फ। श्री की कोई भी चीज सलामत नहीं रह सकती, आती गिर गई। सो अगेन इट्स नायका प्रेप अप फेस प्राइमर, आई थिंक फ्री भी में आया है क्योंकि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था। यस, मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि आपकी नाइट रूटीन में ना रेटिनॉल ऐड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा यार ये फॉक्सटेल, क्योंकि मैंने ना इसके बारे में बहुत सुना है, तो मैंने सोचा कि चलो यार ये नाइट सीरम ट्राई करते हैं, और इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे है। आई कॉल्ड फॉर दिस प्राइमर। दो चीजें तो आनी चाहिए थी, नो, इट्स जस्ट वन थिंग, पर आना होता तो ये निकलता नहीं, खाली क्यों है। पहले मैं जनरली पेंसिल्स यूज नहीं करती थी, बट जब से मैंने यूज करना स्टार्ट करी है तब मजा आने लगा है। तो वही बॉक्स चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ। ओह दिस इज सो गुड गाइज, ये मैं ट्राई करूंगी और आपको रिव्यू भी दूंगी, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है आपके एक्नेज ही इसलिए होते हैं क्योंकि आपके जो मेकअप ब्रशेज है ना, बेसिकली उसको आप अच्छे से नहीं धोते हो, एंड दैट लीड्स यू टू एक्नेज। तो ये मैंने पफ मास्टर मंगवाया है नायका से, एंड लेट्स सी कि ये मेरे ब्रशेस कितनी अच्छी तरह से साफ करता है, बिकॉज़ आई हैड नथिंग लाइक दैट बिफोर। अ सेवर काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट, मतलब सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग मोर। फेस वॉशेस जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ मुझे सूट नहीं कर रहे हैं, तो आई ordered Cetaphil just to be safe, and ये foam वाला है because अभी मेरी जो skin है वो बहुत ज़्यादा oily हो रही है बार बार, तो yes it's a oil control face wash। और मेरा shampoo तो भाई ख़त्म ही हो चुका था पूरा, और अगर sale लगी है और उसमें आप shampoo ना मंगाओ, क्या खा आपने sale का इस्तेमाल किया, क्योंकि इतने लंबे वालों में इतना जल्दी shampoo ख़त्म होता है, it's a stress me for me। Last box कर देते हैं unbox। ओ भाई ये चीज के लिए तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। नाइस भाई, इतना कचरा हो चुका है ना मेरे लेफ्ट साइड में, आपको दिखा के पूछे ना, इन सबको फेंकना भी पड़ेगा। मॉइस्चराइजर जो मैं वहाँ DU का यूज करती हूँ चेन्नई में, वो मुझे यहाँ सूट नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि एंड इट्स अबाउट टू फिनिश, तो मैंने कहा कुछ ऐसा जो कि सेफ हो एंड सब रिकमेंड करते हो, तो आई ऑर्डर्ड पॉन्स का सुपर लाइट जेल। मैं मॉइस्चराइजर तो बहुत टाइम से मतलब यू नो चेंज करने का सोच रही थी, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। ओ यस, सारे ऑलमोस्ट मैंने रिव्यू के ऊपर ही मंगवाए हैं। आई नो नए नए प्रोडक्ट्स आपको इतना जल्दी जल्दी नहीं चेंज करने चाहिए, बट मैं जल्दी चेंज नहीं कर रही हूँ। इट्स बीन मंथ्स ईयर्स जब मैं वो यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने कहा कि नहीं यार, अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि विद टाइम आपकी स्किन एक्चुअली बदलती है। हाउ मच आई लव गुड स्मेलिंग शार जेल्स,
तो यस दिस इज माई फेवरेट ब्रांड बाथ एंड बॉडी वर्क्स. इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ. इसका हर आई थिंक प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, बट दिस वॉज समथिंग न्यू बटरफ्लाई. सो मैंने कहा कि चलो यार अब शाजल मंगा ही रहे हैं तो कुछ ऐसा मंगाते हैं जो आप मैंने यूज़ नहीं किया है. तो दिस इज आई अब नाम से मुझे समझ आ रहा है कि बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होगी एंड बहुत गर्ली होगा. इट्स अ फ्री बी बाई डॉट एन की. आई थिंक ये फेस वॉश है या जैसे लाइक एसिड एंड ग्रीन टी क्लीनिंग में नाइस. इसको हम यूज करके देखें. इस बार की फ्रीबीज अच्छी आई हैं. ओके नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आई हैव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्किन केयर, दैट इज अ सनस्क्रीन. बहुत टाइम से मैं चाह रही थी टू परचेज दिस डॉट एन की विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. एंड जो अभी मैं मिनिमलिस्टिक की यूज कर रही थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. आई डेंट लाइक इट दैट मच. पहले अच्छी लग रही थी बट अब नाउ आई फील कि बहुत ग्रीसी करती है मेरा फेस. माई गॉड दिस थ्री आर माई लास्ट प्रोडक्ट्स. ये मैं एक साथ ही दिखाऊंगी. एंड ये भी गया यहाँ खत्म ना पक्का. मैं ना बॉक्सेस चेक कर रही हूँ. ये तीन प्रोडक्ट्स है फॉर माई मेंस्ट्रुअल साइकिल. यस पीरियड्स के लिए तीनों ही अलग अलग चीजें हैं जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक वीडियो में. आई हैव used pads a lot but मैंने कभी सिरोना के pads use नहीं किए थे तो मैंने ये order कर लिए. and उसके बाद मैंने मंगाया है नुआ का overnight period panty. इसको सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि बचपन में diaper वाइपर पहनते थे हम और अब इतना बड़े होके, but I really wanted to use क्योंकि अगर इसको बनाया गया है तो कोई रीजन होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स रिकमेंड करती हैं विच इज अ मेंस्ट्रुअल कप. ये मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स रिकमेंड करती हैं बट आई हैव नेवर यूज्ड इट. आई एम मोर ऑफ अ पैड्स पर्सन तो मैंने आज तक यूज नहीं किया है बट आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू यूज दिस. तो ये तीन जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा भी और भी इसका मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी एंड आई लेट यू नो व्हाट आई फील अबाउट दीज प्रोडक्ट्स और दीज टू बिकॉज मैंने कभी यूज नहीं किया एंड माई पीरियड्स आर लाइक अराउंड द कॉर्नर. आई हैवंट हैड I think I'm 4-5 days late. But chalta hai. I hope I get it soon. बट या ये वीडियो आई थिंक इसकी जो फीमेल हाइजीन के ऊपर जो वीडियो है जो पीरियड्स की चीज़ों के ऊपर वीडियो है वो थोड़ा टाइम बाद आएगी 2-3 महीने बाद तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. एंड फिलहाल के लिए तो ये हॉल होता है यहीं पे कंप्लीट. एंड काफ़ी खर्चा हो गया एंड चीज़ें जब ऑर्डर करी तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस था वो था ये. तो डिफरेंस तो काफ़ी था, खर्चा भी हो गया बट दैट इज़ फाइन. तो चलो चलते हैं. पूरा हो गया नहीं, मैं थी गलत या तुम हो सही. मैं